अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपने डेवलपर एनवायरनमेंट को अपग्रेड करेंगे। तो हम 2020 के मुताबिक जो डेवलपर एनवायरनमेंट चल रही है सी के लिए, हम उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हम आज यूजर स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे, उसके साथ हम GCC कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करेंगे, और इसके बाद जो वीडियोज आएंगे उनमें हम यूजर स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे कोड करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम TDM GCC कंपाइलर एक है, हम उसको डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये कंपाइलर के बगैर जो यूजर स्टूडियो कोड के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वो कंपाइल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें GCC कंपाइलर जो है वो चाहिए, जो हमारे सी के कोड को कंपाइल करके हमें आउटपुट देगा। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। पहला लिंक इसका आ जाएगा, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस, जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम यहां से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, फिर क्रिएट, यहां पे हमें इसको जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करना है, फिर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहां पे यस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल। सो गाइस, जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद हम वापस से अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ हम यूजर स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। PS कोड लिखेंगे हम यहाँ पर। ये यूजर स्टूडियो कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बहुत ही पावरफुल IDE है, कोड एडिटर भी बोलते हैं, जो 2020 में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। हम यहाँ डाउनलोड पर जाएंगे, उसके बाद हम फिर यहाँ से विंडोज़ वाला यूज़र इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर, जो मर्जी आप डाउनलोड करना चाहें वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जितनी रैम है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32, उसके मुताबिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा 64 है तो मैं 64-bit जो है वो डाउनलोड करूँगी। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, जब हमारी डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो हम फिर यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे यूजर स्टूडियो कोड। थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, ये बहुत ही लाइट वेट IDE है और हमें बहुत काम आएगी। हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रिएट आप डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको चेक कर दें, और इसको हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। हम मैं कुछ थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा इसको, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से बहुत आसानी से, आपको माउस को क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से ही इसको चला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो गाइस, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने यूजर स्टूडियो कोड को। सो गाइस, जब यूजर स्टूडियो कोड ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो हम इसमें सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से हम उसको कहीं पर सेव कर देते हैं। अभी इस फाइल का कोई नाम नहीं है, एडिटर को कोई पता नहीं है कि ये कौन सी लैंग्वेज की फाइल है, तो इसके लिए हम इसको सेव करके कोई नाम दे देंगे। हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे हेलो, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, hello.c। और नीचे प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ से हम सी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसको पता चल जाएगा कि ये एक सी लैंग्वेज की फाइल है। तो उसके बाद हम कोड एडिटर में अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ एक्सटेंशन चाहिए, तो हम यहाँ ये एक्सटेंशन वाला बटन है यहाँ पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ये C++ इंटेलिजेंस जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे, मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद जो दूसरी है वो ये वाली है C++ इंटेलिजेंस, और उसके बाद कोड रनर, ये जो एक्सटेंशन है ये कोड को रन करने के लिए हमें मतलब कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी, हम जस्ट प्ले बटन को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे रन करेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्लूड stdio डॉट है, उसके बाद मैन, उसके बाद हम कोई लिख लेते हैं स्टेटमेंट, प्रिंट एफ वेलकम टू VS कोड, उसके बाद रिटर्न 0। अब हम इसको रन करते हैं यहाँ प्ले बटन से। अब जब कोड रनर जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको जो ये प्ले बटन है ये नज़र आएगा, उसके बगैर आप उसको रन नहीं कर सकते। तो हम इसको यहाँ से रन करते हैं तो ये हमें आउटपुट मिल गई है वेलकम टू VS कोड। तो इस तरह से हम आगे की जो वीडियोज हैं उसमें हम यूजर स्टूडियो कोड को यूज़ करके आगे के जो कोड हैं वो हम VS कोड के अंदर लिखेंगे।
आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।